जम्मू कश्मीर पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, एनएसए डोभाल भी हुए शामिल, टारगेट किलिंग पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर हाई लेवल मीटिंग की। आतंकवादियों द्वारा घाटी में लक्षित हत्याओं को अंजाम दिए जाने के बीच 15 दिन से भी कम समय में इस तरह की यह दूसरी बैठक है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। बता दें कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर में एक बैंक कर्मी की हत्या कर दी गई। बैंक कर्मी राजस्थान का रहने वाला था। इससे पहले मंगलवार को कुलगांव में जम्मू क्षेत्र के सांभा जिले की रहने वाली एक महिला शिक्षक सहित 3 लक्षित हत्याओं को आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। 18 मई को आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक शराब की दुकान में प्रवेश कर एक ग्रेनेड फेंका, जिसमें जम्मू क्षेत्र के एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। 24 मई को श्रीनगर में एक पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 2 दिन बाद बडगांव में एक टेलीविजन कलाकार अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिछली बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों और पुलिस को समन्वित आतंकवाद रोधी अभियान सक्रिय रूप से संचालित करने का निर्देश दिया था। बैठक में अमरनाथ यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा इस महीने के अंत से शुरू होगी और 11 अगस्त को इसके समाप्त होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा लगभग 12,000 अर्धसैनिक कर्मियों, 120 कर्मियों को 2 तीर्थ मार्गों, एक पहलगाम से और दूसरा बालटाल पर तैनात किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन कैमरे सुरक्षा बलों को तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।